हेलो एवरीवन, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है इंडिया के अंदर टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर एनिमीज कार्टून। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 की रैंकिंग में पांचवें नंबर पर है वन पीस। वन पीस यह एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसके राइटर इचिहिरो ओडा है और इसे एनिमेशन टेलीविजन सीरीज पर पहली बार 1999 में ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप एनिमे देखने में इंटरेस्टेड है तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ वन पीस ने मंगा सीरीज़ के कई सारे वॉल्यूम पब्लिशिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। इचिहिरो ओडा ने वन पीस मंगा के लिए ऑफिशियली वेबसाइट में घोषणा करी कि मंगा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया द मोस्ट कॉपीज पब्लिश्ड फॉर द सेम कॉमिक बुक सीरीज बाय अ सिंगल ऑथर। Feb 2021 तक वन पीस की 480 मिलियन कॉपीज 43 कंट्री वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन में रही। तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी अच्छी एनिमी सीरीज है। फोर्थ नंबर पर आता है नरूटो। नरूटो यह एक जापानीज मंगा सीरीज है जिसके राइटर मशासी किशिमोटो है। यह स्टोरी एक यंग निंजा के ऊपर है जिसका नाम नरूटो उजुमाकी है। इस सीरीज को एनिमेशन टेलीविजन पर 2002 में पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था। यह सीरीज 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट नरूटो सीरीज जिसमें टोटल 220 एपिसोड्स हैं, जिसे 2002 से लेकर 2007 तक ब्रॉडकास्ट किया गया। सेकेंड पार्ट नरूटो शिपुडिन जिसमें 500 एपिसोड्स हैं, जिसे 2007 से लेकर 2017 तक ब्रॉडकास्ट किया गया। ये मंगा सीरीज की फोर्थ बेस्ट सेलिंग सीरीज है जिसकी 250 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड 46 कंट्रीज में सर्कुलेशन में रही। थर्ड नंबर पर आता है पोकेमोन। यह एक जापानीज सीरीज है जिसे पहली बार 1 अप्रैल 1997 में टीवी टोक्यो नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज है। इसके अब तक टोटल 23 सीजन्स आ चुके हैं जिसमें कुल 1148 एपिसोड्स हैं। इसी के साथ यह सीरीज 169 कंट्रीज में देखी जाती है और नेटफ्लिक्स में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक है। यह स्टोरी एक यंग ट्रेनर की है जिसका नाम एश कैचम्प है और उसका पार्टनर पिकाचू है जो कि एक फिक्शनल क्रिएचर है जिसे पोकेमोन कहते हैं। सेकेंड नंबर पर दो कार्टून है, फर्स्ट डोरेमोन एंड सेकेंड शिनचैन। डोरेमोन यह एक मंगा सीरीज है जिसके राइटर फुजिको फुजी है और इसकी पहली एनिमेशन 1973 में आ गई थी। इसके टोटल एपिसोड्स 1465 है। यह सीरीज बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसी के साथ मंगा की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सीरीज में से भी एक है। 2015 तक डोरेमोन सीरीज की टोटल 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। इसी के साथ डोरेमोन सीरीज को जापानीज कार्टून एसोसिएशंस अवार्ड फॉर एक्सेलेंस जैसे कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। सेकेंड शिनचैन, शिनचैन मंगा सीरीज की है जिसके राइटर योशितो उशुई है। इसे पहली बार टेलीविजन पर 1992 में पब्लिश किया गया था। इसके कुल 1000 प्लस एपिसोड्स हैं जिसे 30 लैंग्वेजेस में 45 कंट्रीज में डिमांड है और इसके कुल 148 मिलियंस कॉपी अब तक बिक चुकी है। कैरवन शिनचैन ओरिजिनल रन 1992 से 2009 तक चला, फिर इसके राइटर की डेथ हो गई। फिर न्यू कैरवन शिनचैन उशुई टीम के द्वारा 2010 से शुरू किया गया। फर्स्ट नंबर पर आता है ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी। ये मंगा सीरीज की है जिसके राइटर अकीरा तोरियामा है। ये सीरीज 16th सेंचुरी चाइनीज नोवेल जर्नी टू द वेस्ट एंड हांगकॉन्ग मार्शल आर्ट से इंस्पायर्ड है। इस एनिमेशन को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया। फर्स्ट ड्रैगन बॉल 1986 से 1989 तक, सेकेंड ड्रैगन बॉल जी 1989 से 1996 तक, थर्ड ड्रैगन बॉल जी टी 1996 से 1997 तक, फोर्थ ड्रैगन बॉल काय 2009 से 2011 तक, फिर 2014 से 2015 तक, फिफ्थ ड्रैगन बॉल सुपर 2015 से लेकर 2018 तक, एंड सिक्स सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज 2018 से भी स्टार्ट है। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मंगा एंड एनिमेशन सीरीज ऑफ ऑल टाइम है। इसकी एनिमेशन 80 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट होती है और अब तक 300 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। वन पीस के बाद सेकेंड हाईएस्ट बेस्ट सेलिंग मंगा सीरीज भी है।
गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।